तेलंगाना के राज्यपाल श्रीमती तमिलसाई सौंदरराजन जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्री जी कृष्ण रेड्डी जी, तेलंगाना सरकार के मंत्री, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन, डीन, अन्य प्रोफेसर्स, टीचर्स, पेरेंट्स और मेरे प्यारे युवा साथियों, आज इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस ने अपनी गौरवमयी यात्रा के एक अहम माइलस्टोन पार किया है। हम सभी आईएसबी की स्थापना के 20 साल पूरे होने को सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज अनेक साथियों को अपनी डिग्री मिली है, गोल्ड मेडल मिले हैं। आईएसबी को सफलता के इस पड़ाव पर पहुंचाने में अनेकों लोगों की तपस्या रही है। मैं आज उन सभी को याद करते हुए आप सभी को आईएसबी के प्रोफेसर्स, फैकल्टी, सभी स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को, आईएसबी के एल्यूमनाइज को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, साल 2001 में अटल जी ने इसे देश को समर्पित किया था। तब से लेकर आज तक लगभग 50,000 एग्जीक्यूटिव यहां से ट्रेन होकर निकले हैं। आज आईएसबी एशिया के टॉप बिजनेस स्कूलों में से एक है। आईएसबी से निकलने वाले जो प्रोफेशनल्स हैं, वे देश के बिजनेस को गति दे रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों का मैनेजमेंट संभाल रहे हैं। यहां के स्टूडेंट्स ने अनेक स्टार्टअप बनाए हैं, अनेकों यूनिकॉर्न्स निर्माण में उनकी भूमिका रही है। ये आईएसबी के लिए उपलब्धि तो है ही, पूरे देश के लिए गर्व का विषय भी है। साथियों, मुझे बताया गया है कि ये हैदराबाद और मोहाली कैंपस की पहली ज्वाइंट ग्रेजुएशन सेरेमनी है। आज जो स्टूडेंट्स पास होकर निकल रहे हैं, उनके लिए ये इसलिए भी खास है क्योंकि इस समय देश अपनी आजादी के 75 वर्ष का पर्व मना रहा है, अमृत महोत्सव मना रहा है। हम बीते 75 साल की उपलब्धियों को देख रहे हैं और आने वाले 25 साल के संकल्पों का रोड मैप भी बना रहे हैं। आजादी के इस अमृत काल में आने वाले 25 साल के लिए जो संकल्प हमने लिए हैं, उसकी सिद्धि में आप सभी की बहुत बड़ी भूमिका है। और आज भारत में जो आशा है, लोगों में जो आत्मविश्वास है, नए भारत के निर्माण के लिए जो इच्छा शक्ति है, वो आपके लिए भी अनेक संभावनाओं के द्वार खोल रही है। आप खुद देखिए, आज भारत G20 देशों के समूह में
फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। स्मार्टफोन डेटा कंज्यूमर के मामले में भारत पहले नंबर पे है। इंटरनेट यूजर्स की संख्या को देखें तो भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर है। ग्लोबल रिटेल इंडेक्स में भी भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम भारत में है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट भारत में है। ऐसी कई चीजें मैं आपके सामने रख सकता हूं, गिना सकता हूं। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में हम सबने और दुनिया ने भारत का सामर्थ्य देखा है। सदी की इस सबसे बड़ी आपदा में ग्लोबल सप्लाई चेन्स में इतना बड़ा डिस्रप्शन हुआ, फिर युद्ध ने भी इस संकट को और बढ़ा दिया। इन सब के बीच भी भारत आज ग्रोथ के एक बड़े केंद्र के रूप में उभर रहा है। पिछले साल भारत में अब तक का सबसे ज्यादा रिकॉर्ड एफडीआई आया। आज दुनिया ये महसूस कर रही है कि इंडिया मींस बिजनेस, और ये केवल अकेले सरकार के प्रयासों के कारण संभव नहीं हुआ है। इसमें आईएसबी जैसे बिजनेस स्कूल्स का, यहां से निकलने वाले प्रोफेशनल्स का, देश के युवा का भी बहुत बड़ा योगदान है। चाहे स्टार्टअप्स हो या ट्रेडिशनल बिजनेस हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो या सर्विस सेक्टर हो, हमारे युवा ये साबित कर रहे हैं कि वो दुनिया को लीड कर सकते हैं। मैं सही बता रहा हूं ना? आपको भरोसा है कि नहीं अपने आप पर? मुझे आप पर भरोसा है। आपको अपने आप पर है? साथियों, इसलिए आज दुनिया भारत को, भारत के युवाओं को और भारत के प्रोडक्ट्स को एक नए सम्मान और नए भरोसे के साथ देख रही है। साथियों, भारत जिस स्केल पर लोकतांत्रिक तरीके से अनेक चीजें अपने यहां कर सकता है, जिस तरीके से हम यहां कोई नीति या निर्णय लागू कर सकते हैं, वो पूरी दुनिया के लिए अध्ययन का, सीखने का विषय बन जाता है। और इसलिए हम अक्सर इंडियन सॉल्यूशंस को ग्लोबली इंप्लीमेंट होते हुए देखते हैं। और इसलिए मैं आज इस महत्वपूर्ण दिन पर आपसे कहूंगा कि आप अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों को देश के लक्ष्यों के साथ जोड़िए। आप जो सीखते हैं, आपका जो भी अनुभव होता है, आप जो भी इनिशिएटिव लेते हैं, उससे देश हित कैसे सधेगा, इस बारे में हमेशा सोचना चाहिए, जरूर सोचिए। आज देश में चाहे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए अभियान हो, 1500 से ज्यादा पुराने कानूनों
और हजारों कंप्लायंसीज को समाप्त करने का काम हो, टैक्स के अनेकों कानूनों को समाप्त करके जीएसटी जैसी पारदर्शी व्यवस्था का निर्माण हो, एंटरप्रेन्योर्स और इनोवेशंस को बढ़ावा देना हो, नई स्टार्टअप पॉलिसी हो, ड्रोन पॉलिसी हो, अनेक नए सेक्टर्स को खोलना हो, 21वीं सदी की आवश्यकताओं को पूरा करने वाली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू करना हो, ये सारे बड़े बदलाव आप जैसे युवाओं के लिए ही तो हो रहे हैं। आप जैसे युवाओं की तरफ से आने वाले जो सॉल्यूशंस हैं, उन सॉल्यूशंस को इंप्लीमेंट करने के लिए, आपके आइडिया को देश की ताकत बनाने के लिए हमारी सरकार हमेशा देश की युवा शक्ति के साथ खड़ी है। साथियों, आपने सुना होगा, कई बार एक बात को मैं बार बार दोहराता भी हूं और अक्सर मैं कहता हूं, रिफॉर्म परफॉर्म ट्रांसफॉर्म की बात करता हूं। ये मंत्र देश में आज जो गवर्नेंस है उसे डिफाइन करता है। ये आप जैसे मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स प्रोफेशनल्स के लिए भी बहुत अहम। मैं ये सारी बातें आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप लोग यहां से निकलने के बाद बहुत सारे पॉलिसी डिसीजंस लेने वाले हैं। पॉलिसी सिर्फ ड्राइंग रूम पर अच्छी हो, कागज पर बेहतर हो, जमीन पर अगर नतीजे ना दे तो उसका कोई लाभ नहीं होता। इसलिए पॉलिसी का आकलन इंप्लीमेंटेशन और एंड रिजल्ट के आधार पर होना चाहिए। रिफॉर्म परफॉर्म ट्रांसफॉर्म के मंत्र ने कैसे पॉलिसीज को, देश की गवर्नेंस को रिडिफाइन किया है, ये भी मैं चाहूंगा कि आप जैसे नौजवानों को जानना बहुत जरूरी है। साथियों, बीते 8 साल की तुलना अगर आप उसके पहले के 3 दशक से करेंगे तो एक बात जरूर नोट करेंगे, हमारे देश में रिफॉर्म्स की जरूरत तो हमेशा से महसूस की जाती रही थी लेकिन पॉलिटिकल विल पावर की हमेशा कमी रहती थी। पिछले 3 दशकों में लगातार बनी रही राजनीतिक अस्थिरता के कारण देश ने लंबे समय तक पॉलिटिकल विल पावर की कमी देखी। इस वजह से देश रिफॉर्म से, बड़े फैसले लेने से दूर ही रहा। 2014 के बाद से हमारा देश राजनीतिक इच्छा शक्ति को भी देख रहा है और लगातार रिफॉर्म भी हो रहे हैं। हमने दिखाया है कि अगर ईमानदारी के साथ, इच्छा शक्ति के साथ रिफॉर्म की प्रक्रिया को आगे बढ़ाई जाए तो जन समर्थन अपने आप बढ़ता है। फिनटेक का उदाहरण हमारे सामने है। जिस देश में कभी बैंकिंग ही एक प्रिविलेज मानी जाती थी, उसी देश में फिनटेक सामान्य नागरिकों के जीवन को बदल रही है। जहां कभी बैंकों के प्रति भरोसा कायम करने के लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती थी, वहां अब दुनिया की 40% डिजिटल ट्रांजैक्शन हिंदुस्तान में हो रही है।
हमारे हेल्थ सेक्टर को भी। ये माना जाता था कि किसी बड़ी चुनौती को रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएगा, लेकिन हेल्थ सेक्टर में रिफॉर्म की देश की इच्छा शक्ति का परिणाम हमने 100 साल की सबसे बड़ी महामारी के दौरान अनुभव किया है। कोरोना ने जब दस्तक दी तब हमारे पास पीपीई किट्स बनाने वाले मैन्युफैक्चरर ना के बराबर थे, कोरोना स्पेसिफिक जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं था, लेकिन देखते ही देखते 1100 से अधिक पीपीई मैन्युफैक्चरर्स का नेटवर्क भारत में तैयार हो गया। कोरोना की टेस्टिंग के लिए भी शुरुआत में कुछ दर्जन लैब थी, बहुत कम समय में देश में 2500 से अधिक टेस्ट लैब्स का नेटवर्क बन गया। कोविड वैक्सीन के लिए तो हमारे यहां चिंता जताई जा रही थी कि हमें विदेशी वैक्सीन मिल पाएगी भी या नहीं, लेकिन हमने अपनी वैक्सीन तैयार की, इतनी वैक्सीन बनाई कि भारत में भी 190 करोड़ से ज्यादा डोज लगाई जा चुकी है। भारत ने दुनिया के 100 से अधिक देशों को भी वैक्सीन भेजी है। इसी प्रकार मेडिकल एजुकेशन में भी हमने एक के बाद एक अनेक रिफॉर्म किए। इसी का परिणाम है कि बीते 8 सालों में मेडिकल कॉलेज की संख्या 380 से बढ़कर 600 से भी अधिक हो गई है। देश में मेडिकल की ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की सीटें 90,000 से बढ़कर 1.5 लाख से ऊपर हो चुकी हैं। साथियों, पिछले 8 वर्षों में देश ने जो इच्छा शक्ति दिखाई है उसकी वजह से एक और बड़ा बदलाव आया है। अब ब्यूरोक्रेसी भी पूरी शक्ति से रिफॉर्म्स को जमीन पर उतारने में जुटी है। सिस्टम वही है, लेकिन अब नतीजे बहुत संतोषजनक मिल रहे हैं। और इन 8 वर्षों में जो सबसे बड़ी प्रेरणा बनी है वो है जन भागीदारी। देश की जनता खुद आगे बढ़कर रिफॉर्म्स को गति दे रही है, और हमने ये स्वच्छ भारत अभियान में देखा है। और अब वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत अभियान में भी हम जन भागीदारी की ताकत को देख रहे हैं। जब जनता सहयोग करती है तो नतीजे अवश्य मिलते हैं, जल्दी मिलते हैं। यानी सरकारी व्यवस्था में सरकार रिफॉर्म करती है, ब्यूरोक्रेसी परफॉर्म करती है, और जनता के सहयोग से ट्रांसफॉर्मेशन होता है। साथियों, ये आपके लिए एक बहुत बड़ी केस स्टडी है। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म की जो ये डायनेमिक्स हैं, वो आपके लिए रिसर्च का विषय है। आईएसबी जैसे बड़े संस्थान को अध्ययन करके, एनालिसिस करके दुनिया के सामने इसे लाना चाहिए। यहां से जो युवा साथी पढ़कर निकल रहे हैं उन्हें भी रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के इस मंत्र को हर क्षेत्र में लागू करने का प्रयास करना चाहिए। साथियों, मैं आपका ध्यान देश के स्पोर्ट्स इकोसिस्टम में आए ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ भी दिलाना चाहता हूं। आखिर क्या कारण है कि 2014 के बाद हमें खेल के हर मैदान में अभूतपूर्व प्रदर्शन देखने को मिल रहा है?
इसका सबसे बड़ा कारण है हमारे एथलीट्स का आत्मविश्वास। आत्मविश्वास तब आता है जब सही टैलेंट की खोज होती है, जब टैलेंट की हैंड होल्डिंग होती है, जब एक ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन होता है, ट्रेनिंग का, कंपटीशन का एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है। खेलो इंडिया से लेकर ओलंपिक्स पोडियम स्कीम तक ऐसे अनेक रिफॉर्म्स के चलते आज स्पोर्ट्स को ट्रांसफॉर्म होते हम अपनी आंखों के सामने देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। साथियों, मैनेजमेंट की दुनिया में परफॉर्मेंस, वैल्यूएशन, प्रोडक्टिविटी और मोटिवेशन, इन बातों पर भी बहुत चर्चा होती है। अगर आपको पब्लिक पॉलिसी में इसका उत्तम उदाहरण देखना है तो आपको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम को जरूर स्टडी करना चाहिए। हमारे देश में 100 से अधिक ऐसे जिले थे जो विकास की दौड़ में काफी पीछे थे। देश के लगभग सभी राज्यों में एक आध दो कहीं पर थोड़े ज्यादा ऐसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है। विकास से जुड़े हर पैरामीटर में ये जिले बहुत कम स्कोर करते थे। इसका सीधा प्रभाव देश की ओवरऑल परफॉर्मेंस पर, रेटिंग पर, ओवरऑल प्रदर्शन पर बड़ा नेगेटिव असर पड़ता था। इनको ये समझकर कुछ हो नहीं रहा है, बदलाव दिख नहीं रहा है, हालत बुरे हैं, और इसलिए सरकारें क्या करती थी, उसको पिछड़ा घोषित कर देती थी। ये तो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है। अगर यही सोच है तो उनके मन में भी हो जाता है, हाँ यहां तो ऐसा ही रहेगा, कुछ बदलाव नहीं होगा। सरकारी सिस्टम में जिन अफसरों को सबसे कम प्रोडक्टिव माना जाता था, निकम्मे माना जाता था, उनको अक्सर इन जिलों में तैनात करने देना और जाओ भाई, तुम्हारा जानो, तुम्हारा नसीब, जाने पड़े रहो। लेकिन साथियों, हमने अप्रोच बदली। जिसे कल तक बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट कहते थे, हमने कहा है बैकवर्ड नहीं है, ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, हमने उसको एस्पिरेशनल घोषित किया। और हमने तय किया कि हम इन जिलों में विकास की आकांक्षा जगाएंगे, एक नई भूख जगाएंगे। देश के एफिशिएंट युवा अधिकारियों को चिन्हित करके इन जिलों में भेजा गया। इन जिलों में होने वाले हर काम को विशेष तौर पर मॉनिटर किया गया, डैशबोर्ड पर रियल टाइम मॉनिटरिंग करने की व्यवस्था की। जहां जहां कमियां नजर आती थी, उन कमियों को दूर करने का प्रयास किया गया। और साथियों, आपको जानकर के खुशी होगी, आज स्थिति यह है कि इनमें से कई जिले आज देश के दूसरे बेहतर समझे जाने वाले जिलों से कहीं ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जिन्हें कभी पिछड़े जिले कहते थे, देश के डेवलपमेंट पैरामीटर्स को प्रभावित करते थे, वो आज एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बनकर देश के विकास को गति दे रहे हैं। अब हमने राज्यों से कहा है कि इस अप्रोच को और विस्तार दें। हर जिले में ऐसे ब्लॉक्स होते हैं जो विकास के मामले में दूसरों से पिछड़ गए हैं। ऐसे ब्लॉक्स को आइडेंटिफाई करके एस्पिरेशनल ब्लॉक्स अभियान को अब आगे बढ़ाया जा रहा है। देश में हो रहे ये बदलाव, इनकी जानकारी आपको पॉलिसी डिसीजंस में, मैनेजमेंट में बहुत मदद करेगी। साथियों, आपके लिए ये सब जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आज देश में
बिजनेस के मायने भी बदल रहे हैं और बिजनेस का दायरा भी बढ़ रहा है। आज भारत में इकोनॉमिक लैंडस्केप स्मॉल मीडियम कॉटेज और यहां तक कि इनफॉर्मल एंटरप्राइज तक में फैल रहा है। ये बिजनेस लाखों लाख लोगों को रोजगार के अवसर दे रहे हैं। इनका सामर्थ्य बहुत ज्यादा है, इनमें आगे बढ़ने का कमिटमेंट बहुत ज्यादा है। इसलिए आज जब देश आर्थिक विकास के नए अध्याय को लिख रहा है तो हमें एक और बात याद रखनी होगी, हमें छोटे व्यापारियों स्मॉल बिजनेस का भी उतना ही ध्यान रखना होगा, हमें उन्हें ज्यादा बड़े प्लेटफॉर्म देने होंगे, ग्रो करने के लिए ज्यादा बेहतर मौके देने होंगे, हमें उन्हें देश विदेश में नए नए बाजारों से जोड़ने में मदद करनी होगी, हमें उन्हें ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी से जोड़ना होगा। और यही पर, इसी बात पर आईएसबी जैसे संस्थान, आईएसबी के स्टूडेंट्स की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। एक फ्यूचर बिजनेस लीडर के तौर पर आप सभी को हर बिजनेस को और बड़ा और विस्तार करने के लिए आगे आना होगा, जिम्मेवारियां संभालनी होगी। और आप देखिएगा, आप छोटे बिजनेस को ग्रो करने में मदद करेंगे तो आप लाखों एंटरप्रेन्योर्स के निर्माण में मदद करेंगे, करोड़ों परिवारों की मदद करेंगे। भारत को फ्यूचर रेडी बनाने के लिए हमें सुनिश्चित करना होगा कि भारत आत्मनिर्भर बने। और इसमें आप सभी बिजनेस प्रोफेशनल्स की बहुत बड़ी भूमिका है और यह आपके लिए एक तरह से देश की सेवा का अहम उदाहरण होगा। साथियों, देश के लिए कुछ करने का, देश के लिए कुछ कर गुजरने का आपका जज्बा देश को नई ऊंचाई पर ले जाएगा। मुझे आईएसबी पर, आईएसबी के स्टूडेंट्स पर, आप सभी नौजवानों पर बहुत भरोसा है, बहुत विश्वास है। आप एक पर्पज के साथ इस प्रतिष्ठित संस्थान से बाहर निकले, आप अपने गोल्स को राष्ट्र के संकल्पों के साथ जोड़िए। हम जो कुछ भी करेंगे उससे एक राष्ट्र के रूप में सशक्त होंगे। इस कमिटमेंट के साथ जब आप कोई भी प्रयास करेंगे तो सफलता आपके कदम पर होगी। एक बार फिर आज जिन जिन साथियों को मुझे मेडल देने का अवसर मिला है और भी जो लोगों ने सिद्धियां प्राप्त की हैं, उनको, उनके परिवारजनों को अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। और आईएसबी भारत की विकास यात्रा में ऐसी पीढ़ियों को तैयार करता रहे, ऐसी पीढ़ियां ले राष्ट्र के लिए समर्पित भाव से कार्य करती रहे, इसी एक अपेक्षा के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ఈ వీడియో గాని మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, పక్కనే ఉన్న బెల్ బటన్ ని నొక్కడం మర్చిపోకండి।